हाई यू गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मी संगुमित्रा एंड आज बहुत ही अच्छा दिन है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आकांक्षा आ रही है। टोटल 4 महीने बाद हम मिल रहे हैं, गगन भी आ रही है। मतलब आकांक्षा ने ऐसा तो मुझे कुछ बताया नहीं है, बट मैं खुद ही प्लान करके उससे मिलने जा रही थी, क्योंकि बेचारी को लगा मेरी फ़्लाइट है, मैं मिलने नहीं आऊँगी। 2 मेरे 4 सेक्टर है, मैं 1:20 पे लैंड करूँगी रात में। आई थिंक घर आते आते 2:30 हो ही जाएगा, पर लेट्स होप मैं जब जाऊँ तो वो सब सोते ना रहे। और बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैं जा रही हूँ अभी तैयार होने, फिर बात करती हूँ। ट्रैफिक जैम में फंसने की तो अब तो मुझे इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि मेरे पास कुछ बोलने को है ही नहीं। ट्रैफिक जैम तो बिल्कुल भी क्लियर होने का नाम नहीं ले रहा, बट मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है सबसे मिलने की, मुझे दुख भी नहीं हो रहा ट्रैफिक जैम का। आ गए हैं हम लोग। कैसे दोस्तों यार तुम लोग, खोलो खोलो आँख, खोलो भाई खोलो आँख, खोलो आँख। हम ये पहन के नहीं आए कि हमको हमारी जूती खराब ना हो। तुम पहन लो, जूती पहन के आ गए। कांचा की जूती कितनी अच्छी है भाई, तुम लोग के पास चप्पल है, उसके पास जूती हमारी है। सेम बात है तुम्हारी मेरी, जो तेरा तुम लोग इंपैक्ट कर रहे हो। अरे किसका इतना हल्का पैर है, वे गिर गया नीचे भाई। तो भाई तुम्हारे पॉकेट में चला, पॉकेट में चला गया। एक और, एक और, एक और। गाइस मैं आई इन लोगों से मिलने, लाइक गाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट गगन के यहाँ पे 6 घंटे से लाइट नहीं है। तो अभी हमने ओयो रूम बुक किया है, जिसमें मैं आकांक्षा गगन जाएंगे अभी ओयो रूम में रहने के लिए, बिकॉज यहाँ पे 6 घंटे से लाइट नहीं है। एंड वी डेस्परेटली नीड एसी, बिकॉज वी डोंट हैव चादर ओवर हियर एंड वी हैव ओनली कंबल्स। एसी चला आ गया फिर भाई, चाप तो खा लो फिर चल लेना। अब हम लोग जा रहे हैं ओयो होटल में रहने, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी एसी नहीं चल रहा है। तो हम तुम्हारा नाम क्या है भाई? आए बहुत दिन से मिले नहीं है, तुम्हारा नाम भूल गए भाई। खुशी कुमारी होता। एंजल प्रिया, एंजल प्रिया, प्रिया नहीं प्रिया। ऐसा ऐसा हरकत मत करो भाई। हम लोग होटल की तरफ मूव हो रहे हैं गाइस, विद आकांक्षा शर्मा। हम नहीं जानते हैं लोग कोई लोग कैसे रहते हैं गाइस, आप लोग मुझे देख लो, हम नहीं को नहीं जानते हैं। और तब दो जोड़ों में लड़की हूं इसको पंजाबी गाने भी नहीं आते गाइस। मेरे पास घर है, पैसा, चूहा चूहा कूदो कूदो कूदो। चूहा नहीं है रे, पानी पानी की लगती डेंगा पानी खेल रहे हैं भाई। यहाँ तुमको डेंगा पानी पता है क्या होता है? हमारा फोन करिया गया भाई, करिया गया मतलब, अरे लाइट नहीं आ रहा है उसमें। अरे करिया गया है मेरा फोन, मतलब लाइट नहीं आ रहा है। आया ना, तुम भी ब्लॉग बनाती हो। हम लोग को बोला गया था कि 900 मीटर दूर है, हम लोग अभी 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं ना भाई। कहाँ है वैसे अभी आगे? इस साल आ नहीं, नहीं है, कहाँ ढूंढी है ये? कौन सा है ये होटल है? ये होटल है, ये तो अपार्टमेंट है। हम लोग ओयो रूम घूमते घूमते सुबह के 6 बज चुके हैं। हमें कुछ भी मतलब ओयो रूम पे गए, वहाँ पता चला एसी नहीं है वहाँ पे, इनफैक्ट बुकिंग भी नहीं है। ओयो ने हमें एकदम बेवकूफ़ बनाया गाइस, एकदम गुस्से में ये बोलना चाह रही हूँ कि ओयो से बुकिंग मत करना। पहली बार की थी जिंदगी में रिफंड, सिर्फ एक ही बुकिंग आइडिया है और तब से हम लोग रिफंड इनिशिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। रुक जाते हुए अरे भाई क्या हो गया भाई, तो वो अपना टर्न ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हॉर्न तो मारेंगे भाई। तो इतना जोर से काया हॉर्न मार रहा है, हम लोग दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, वो लोग दूसरे रास्ते पे। एक ही बुकिंग आईडी आई है। होटल मिला अभी एक बड़ी मुश्किल से, देखते हैं रिसेप्शन पे बात करके क्या है क्या नहीं है। लिटरली नाइट सूट पे घूम रहे कि कोई एसी वाला होटल मिल जाए जिसमें हम सो जाए।
एक भी रूम ना अवेलेबल नहीं है, रूम में सो जाओ। पावर बैकअप अगर कुछ भी नहीं है, पावर बैकअप भी नहीं है, देख लो ना सर एक रूम तो देख लो। तुम लोग उधर गए तो उधर आ गया ये गाय। वी आर स्टिल वेटिंग कि हमारी होटल बुकिंग आए, एकदम सुबह मॉर्निंग हो चुकी है, रात में निकले थे। भाई कैसा लग रहा है दिल्ली आके, वेलकम टू दिल्ली। हमें आएगा जब आते हैं ऐसा होता है, इसलिए हमें दिल्ली नहीं पसंद है। खैर हो सकती है एरिया ऐसा हो, बट फिर भी यार गलत चीज है, बुकिंग ही नहीं मिल रही। और ये रील देख रही है कॉपीराइट स्ट्राइक लाने के, सब से लोग गाय से भाग रहे हैं। हम लोग दूसरे अभी तीसरे होटल में आए ओयो की फिर से हेल्प लेके, ओयो ने हमें फिर से बेवकूफ बनाया, हमसे 2000 की पेमेंट लेने की कोशिश कर रहे थे। हमने दिमाग लगाया, हम इस होटल में आके खुद पूछा यहाँ कोई रूम अवेलेबल नहीं है, मतलब चीटिंग करने का ना एक हद होता है। कह रहे पहले पे करो फिर आप हम बुकिंग कंफर्म करेंगे। वो तो हम इस बार डायरेक्ट होटल में आके चेक कर रहे तो पता चला यहाँ पे होटल रूम है ही नहीं थी, पता नहीं कैसे बुकिंग दे रहे थे। दुखी कर दिया भाई, आंख जल रही है भाई, नींद आ रही है इसको। 5 घंटे में बेचारे की फ्लाइट है, हमारे पास एक कम से कम एसी छोड़ो, चलो हाई फाई। मेरे पास भी सेम, मतलब एक पंखा भी नहीं चल रहा है, इतना वोल्टेज कम है इस एरिया में। 2% बैटरी मेरा 10% बैटरी, यहाँ सबकी बैटरी का परसेंटेज है 2% 10% 15%। हम फाइनली उसी घर में वापस सोने जा रहे हैं, मतलब मैं व्लॉग कैसे बना रही हूँ मुझे ही पता। मैंने सोचा था तीनों दोस्तों से मिलके एकदम एक्साइटिंग व्लॉग बनाऊंगी, बट आके दिख रही है आके, मतलब 4 सेक्टर करके आई हूँ मैं, 4 और ये मैडम 3। वो मैडम का छोड़ दो, वो कुछ नहीं करके आई है, फिर भी उसको हमसे ज्यादा नींद आ रही है। जब झूठी चाय पी पी के ये लोग हर ये नहीं कि एक होटल ढूंढे, चाय पी पी के भी क्या हो गया भाई, चाय पी पी के नींद तोड़ रहे हैं यहाँ पे, बट नहीं मिल रहा है भाई। इधर है घर भाई, कौन है इधर, क्या हो गया भाई, ऐसे आए थे तो हम लोग राइट में वो था भाई, पता भी नहीं है कहाँ जाना है। अरे सर लेकिन हम तो इधर से आए थे, लोग जिम जा रहे हैं सवेरे सवेरे, जिम भी जा रहे हैं। ये कि अभी गार्ड में कौन है, कुछ भी गार्ड नहीं है भाई, हम कह रहे हैं यहाँ सो जाते हैं, कौन आएगा। क्या बोल रही, किसी का खून हो जाएगा, कौन आएगा, कोई नहीं आएगा भाई, ये दिल्ली है, दिल वालों की दिल्ली नहीं है ये। भाई इसका टांग देखो ना, केकड़ा जैसा है भाई, भाई लाइट का मांगो एसी का मांगो। हिंदी में बोलिए, तुम कहते हैं ना कि 22 तक अभी रूम बुक्ड है, तो ये कहती है कि भाई 22 तक घूमना पड़ेगा। भाई ऐसा लग रहा है वैलेंटाइन, कौन गिर रहा है भाई, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वैलेंटाइन वीक चल रहा है, सारा रूम बुक्ड है। हाँ वही चल रहा है, सारे कपल्स ने ऑलरेडी रूम बुक कर रखा है। सलमान खान दिखता हूँ भाई कभी कभी, भाई हम शाहरुख खान। ऑटो ऑटो भैया, ऑटो रुक जा भाई, कोई तो हेल्प कर दो भाई। भाई कोई हेल्प नहीं कर रहा भाई, नहीं सकू नहीं, रोते नहीं है भाई, अभी मोरोविल में होते तो हम हिच हाइकिंग कर लेते, अभी हिच हाइकिंग यहाँ पे नहीं करते ना। ठीक है कि सर बाहर से गेट लॉक हो गया, आप आके खोल दो, बोलता मैडम जी अब तो 10 बजे ही खुलेगा, तब तक तो लॉक रहो। भाई प्रेशर आ रहा है उसको, तो भाई पॉटी आती रहती है हर जगह, यहाँ रूम नहीं मिला उसको, चाय पीना है 10 बार चाय पीना है उसको, 10 बार पॉटी आती है। तब से भाई फर्स्ट होटल से बोल रही है पॉटी आ रही है, पॉटी आ रही है संगू, पॉटी आ रही है, एक ही सपना पॉटी करवा दे कोई, रोक दो भैया। अरे ये तो भाई होटल है जहाँ हम पहले आए थे, हमको यार देखे सो गया और। क्या हमको देखा ऐसे करके फिर चादर ओढ़ के ढक के सो गया, हम चादर खींचे उसका तो क्या नहीं देगा, देगा नहीं देगा, वो रूम नहीं देगा, बैठिए घर चलिए चुपचाप सो जाइए, तुम लोग की किस्मत में कुछ नहीं है।
हम बेवकूफ थे जो यहाँ आए, हम महा बेवकूफ थे, हम चुपचाप अपने घर सूर गए रहते। और ये जगह नहीं है, गोदी में बैठो। अरे बाप रे, मोटायल है रे सब यहाँ। ये देख रहे हैं, ये बीच में देख रहे हैं कांटा। सर आपके घर पे जगह तो हम लोगों को सुला लो। रात भर नहीं सोए हैं यहाँ, करंट नहीं आता, लोग रहते कैसे हैं? भाई लाइट नहीं आता, जब लोग हैं भाई लाइट करंट यहाँ पे कुछ और समझते हैं लोग। करंट कहाँ है, लाइट लग रहा है। मछली का कांटा आपस में लड़ गया है। हाँ सही में भाई, हम नहीं बैठे। थैंक यू भैया। भाई पैर पे हमको 5 मच्छर भी काट लिया भाई तुम लोग के चक्कर में। लग्जरी वाईफाई डीटीएच लेड गेट पास लॉक कहाँ है भाई? चुपचाप सो जाए, यहाँ पे बेस्ट है। वो फालतू में इधर उधर जा रहे हो, पूरा रात निकाल रही हो भाई। हम बोल ही रहे थे चुपचाप तुम लोगों को घर पे सो जाने के लिए। और अभी अगर एसी चल रही है तो हम इसी को भाई पंखा ही नहीं चल, सब लाइट जल गया। पंखा चल जाओ यार प्लीज। फ्रिज बंद करो। हाँ फ्रिज बंद कर भाई। फ्रिज तो बंद है तो फिर नहीं, वो आवाज आया इन्वर्टर का, तो इन्वर्टर भी तो चलना चाहिए यार। घुमाओ तो इसको कोई। भाई पंखा का रेगुलेटर चेक करो। रेगुलेटर है ऑफ है। ओह माय गॉड भाई, ऑफ था भाई। भाई साहब मेरा दिमाग गरम हो जाएगा अभी हमको। हाय हाय भाई, भाई पंखा तब से बोले नहीं चला था, पंखा का रेगुलेटर ऑफ पे था। कौन किया था? तुम और कौन? इनका इन्वर्टर भी टटी आ गया मैं। अब छोड़ो रेगुलेटर को, तो तुम छुओ भी मत। मैंने नहीं किया है, मैंने माँ को सब नहीं किया है। सुबह के बज रहे हैं अभी कितने, सुबह के नहीं दोपहर के बज होंगे 11-12। और हम हार्डली हम लोग 2-2.5 घंटा सोए हैं, उसमें भी गगन ने उठा दिया, उसके बाद सो गई। हम लोग इतना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हैं, हमारी लग गई है। मैं आकांक्षा को कह रही थी ब्लॉग का नाम आकांक्षा आ रही है, नहीं हमारी लग गई होना चाहिए। अभी हम लोग आए हैं जूस वगैरह पैक कराने, बिकॉज पानी तक नहीं था, पानी भी नहीं डिलीवर हो रहा है, तो जूस सबके लिए पैक करा के जा रहे हैं। पाइनएप्पल जूस पी रही हूँ। यहाँ सब डिहाइड्रेटेड है। बोली सर एक किटकैट शेक भी बना देना। थोड़ा सा तो खुशी वाला मुंह बना लो भाई, थोड़ा सा तो। हम लोग फिर चाय पीने आ गए हैं, चाय किसी बार कुछ भी नहीं पीते। मुंह दिखाइयो अपना, दिखाने लायक नहीं थोड़ा। फिर से चाय पी रहे, गर्मी लग रही है, लाइट नहीं है, लेकिन चाय नहीं कम होना चाहिए। जो चाय को गर्मी के समय मना कर देते हैं वो लोग गद्दार हैं, चाय लोग ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जो चाय के सगे नहीं वो किसी के सगे नहीं होते, समझो बात को। यार बक देखो गाइस, एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, जब किसी को सोना। साबुन नीचे गिरा दी, गगन जा रही छी, तो भाई गिरा दोगी, नहा के साबुन फेंक दोगी। गगन जा रही है फ्लाइट पे, अब हम सब जुदा हो रहे हैं। उनको इतना कितना हुआ है भाई, भिखारी पना, साबुन रखने का वो नहीं है, डब्बा नहीं है भाई। साबुन रखने वाले जगह पे सब कुछ तुमको मिलेगा। हाँ, साबुन छोड़ के वो क्या बोलते हैं, वो क्या है, वो जो दातुन करते क्या बोलते। अभी गगन ने एक बार शेविंग फोम से भी ब्रश किया है। कैसे पड़ा है, कैसे कैसे। गगन मत जाना भाई, हम लोग सिर्फ वीडियो के लिए बोल रहे हैं, हम लोग चाहते हैं ये जाए, हम लोग को बहुत टॉर्चर कर रही है। किसी का फोन आ रहा है, कैब वाले का फोन आ रहा है। करो ना बात। चलो गाइस बाय, टेक केयर, बाय, लव यू। मन तो नहीं कर रहा जाने का, बस जाना। अभी तो तेरा मन ही नहीं करता जाने का। चल बाय बाय बाय। जैसे भी तुमसे मिलना है जा रहे हो, किसी ना जाओ, तुम लोग तो साले मिलते ही रहते हो। चलो बाय गाइस, भाई बहुत कम मिलते हैं। बाय बाय। वैसे तो उस पर कभी प्यार नहीं आता है, बट आज आ रहा है। तुझे सुनाई दे रहा है क्या गगन? सबको अलग से बनाया, हम कमोड में बैठे हैं। आई कैन कीप अ सीक्रेट के की यो माय माइंड ऑन माय बॉडी ऑन माय टाइम।
कैसी मरी हुई लगती हो बे आजकल तुम। तबीयत ठीक नहीं है। हम लोग इतना कष्ट में थे कि हमने खाना तक नहीं खाया था। मतलब आकांक्षा मुझे तो मैं तो लेट आई थी तो मुझे पता चला इन लोग ने खाना भी नहीं खाया। और कल मेरी घोर बेइज्जती भी हुई थी कि इन लोग ने मस्त पार्टी वार्टी कर ली और मैं आई तो सो गए। इतने वो है ना ये लोग, बिना खाए वाए सो गए थे, बस पसर गए थे। वैसे 4 बजे सोएंगे, कल 1 बजे सब फिट, सब फिट 1 बजे। अच्छा बस सो गए, जब तुम आई तो सब जगे हुए थे। चलो रे गुड बाय। ए भाई वो तुम लड्डू खा के जाना। कौन सा लड्डू? मम्मी भी खा ले। तुम लाई हो वो लड्डू? हाँ। अच्छा दे जल्दी, ठीक है। ये मेरे ना मुंह पे लाइट लेके खड़ी है क्योंकि पता नहीं कि मेरा फ्रंट कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा है। यार सब चले गए हैं, घर बहुत सूना लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। आकांक्षा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, लाइटिंग बहुत इशू हो गया था, गगन को भी फ्लाइट पे जाना था, तो हम ऐसे 12 घंटे ही थे। तो क्या व्लॉग करूँ क्या नहीं करूँ समझ नहीं आ रहा था। रात भर हम होटल ही ढूंढते रहे, तो बहुत बिट्स वाले छोटे छोटे शॉर्ट्स ही होंगे सबके साथ। हम सॉरी मैं अच्छे से व्लॉग नहीं कर पाई, हमें बस बातें इतनी थी, हमें मस्ती इतनी करनी थी, इतने दिन बाद मिले थे तो बस यही सब कुछ थोड़ा मैसअप हो गया, मैं इतना ही शूट कर पाई। अभी मैं भी जा रही हूँ अपने घर, मुझे भी बहुत सारे काम हैं एंड आई विल सी देम सून। बट गाइज यही था जो मैं शूट कर पाई। ये आकांक्षा की मम्मी ने लाइक इंडियन मॉम्स आइसक्रीम के डब्बे में हमारे लिए मिठाइयाँ भेजी हैं, आई मीन लड्डू। भाई खुलता कैसे है? अरे बहुत कुछ भेजी है यार आंटी। मैं ये खाऊंगा काजू टकली। काजू टकली थैंक यू आंटी सो मच, आकांक्षा की मॉम ने भेजा है हमारे लिए। बाय, चलो बाय, लव।